जब से मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, मणिपुर बंद, ब्लॉकेड, कर्फ्यू और हिंसा से मुक्त हो गया है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की मणिपुर सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस डबल इंजन की सरकार ने विकास के सारे पैरामीटर्स में अभूतपूर्व सिद्धियां हासिल की। ये 6 साल मणिपुर के इतिहास में विकास और शांति के 6 साल के रूप में जाने जाते हैं। चाहे सेंट्रल इंस्टीट्यूशन लाना हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना हो, बढ़ावा करना हो, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट लाना हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को सुचारू रूप से चलाकर मणिपुर को नॉर्थ ईस्ट के एजुकेशन और स्पोर्ट्स में हब बनाने की बात हो, हर क्षेत्र में शांति के कारण मणिपुर विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। विगत लगभग 1 महीने से मणिपुर में हिंसक घटनाएं हुई हैं। सबसे पहले तो मैं जिन दुर्भाग्यपूर्ण नागरिकों की हाल की हिंसा में मृत्यु हुई है, इस सभी के परिवारों के प्रति देश के प्रधानमंत्री जी की ओर से, मेरी ओर से और भारत सरकार की ओर से इनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। जान किसी की भी गई हो, देश के नागरिक की जान जाती है तब हम सबको, मुझे, आपको, सभी को दुख होना बहुत स्वाभाविक। ये 2 दिन के दौरान मैंने ढेर सारे इधर और साइड के लोगों से मुलाकात की है। मैंने ये 3 दिनों में अस्थाई कैंपों का दौरा किया है। ये 3 दिनों के अंदर मणिपुर के अलग अलग हिस्सों में, इम्फाल, मोरे, चूराचांदपुर, कोम्पोक्पी, सभी जगह जाकर नागरिकों के प्रतिनिधिमंडल और आहत लोगों से चर्चा करने का प्रयास किया है। राज्य के कैबिनेट मंत्रियों के साथ भी मीटिंग की है, महिला संगठनों के साथ भी दोनों ओर मेरी मीटिंग हुई है। मतई समुदाय के लगभग 22 सीएसओ को मैं मिल चुका हूं। इसी प्रकार से कुकी समुदाय के भी 25 से ज्यादा सीएसओ के साथ मेरी मीटिंग हुई है। बुद्धिजीवी संगठन, प्रोफेसर, रिटायर्ड अफसर, समाज के सभी वर्गों के साथ शांति लाने के उपायों के लिए और शांति की चर्चा के लिए मेरी बातचीत हुई है।